Students, I am again here with few more words of chapter 2, Wonderful Waste. And today the first word is tempting. Tempting का मतलब होता है मनमोहक, यानी ऐसी भी चीज जो हमको अच्छी लगती हो, जिसकी खुशबू हमको काफी पसंद हो. दूसरा वर्ड है whip. Whip का मतलब होता है मथना. हमने अक्सर अपने घरों में देखा होगा जो मलाई होती है उसको भी हम लोग whip करते हैं और उससे मक्खन निकालते हैं, घी बनाते हैं. या फिर आपने देखा होगा लस्सी वाले दुकानों पर जो लस्सी बनाते हैं वो लोग, वो भी उसको व्हिप करते हैं और फिर उसको लस्सी बनाते हैं उससे. उसके बाद पौर. ये पौर वर्ड का मतलब होता है उरेलना. जब इमेजिन करो कि हमने बाल्टी में पानी लिया और उसको सीधे कहीं पर डाल देते हैं, दैट इज कॉल्ड पौर. फिर डेकोरेट. डेकोरेट का मतलब होता है सजाना. उसके बाद हमारा वर्ड आता है सर्व. सर्व का मतलब होता है परोसना. जब भी हम किसी को कुछ भी खाने के लिए देते हैं, परोसते हैं, तो सर्व बोलते हैं. उसके बाद हमारा वर्ड है ईगर. ईगर कहने का मतलब होता है उत्सुक, यानी कुछ भी जानने की इच्छा अगर हो, जिज्ञासा अगर मन में हो, तो उसको हम लोग ईगर बोलते हैं. उसके बाद हमारा वर्ड है फेमस. फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध. उसके बाद इमेजिन. इमेजिन का मतलब होता है कल्पना करना. जो भी हम अपने मन में सोचते हैं उसको हम इमेजिनेशन बोलते हैं. उसके बाद हमारा वर्ड आता है ट्रेडिशनल. ट्रेडिशनल का मतलब होता है पारंपरिक. अपने हिसाब से इस चैप्टर में जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे वो सारे हमने आपके साथ शेयर कर दिए. इसके बाद भी अगर आपको कुछ ऐसा लगता हो कि किसी वर्ड में कोई प्रॉब्लम हो, तो आप डिक्शनरी की भी मदद ले सकते हो, अपने घर में बड़ों से भी पूछ सकते हो. इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे और फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर आपके सामने रखेंगे. थैंक यू.